ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आपसे कुछ सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड गाइस इस जो कॉन्सेप्ट में अगर जितने भी एरन पिंजिस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस वीडियो हमारी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड गाइस अगर आप लोग भी ऐसी फोटो को अगर एडिट करते हो तो गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर टैग जरूर करना, आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको साइड में नेम दिख गया होगा, तो गाइस इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो जरूर करना। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप सभी को, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। देन गाइस आप सभी को फिर क्या करना, आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहां से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो मोर मतलब कि यार मैक्सिमम लोगों को भाई गाइस फोटो का तो बैकग्राउंड रिस्क करना आता ही होगा, एंड जिन भाइयों को नहीं आता होगा तो गाइस उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है, तो आप लोग जाके चेकआउट करना। बाकी हम बढ़ते हैं अब वीडियो की तरफ। तो गाइस यहां पे मॉडल को आपको कुछ स्टेप्स ऐड कर देना है, ठीक है। एंड जो मॉडल का जो मतलब हाइट होगा वो गाइस आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है, तो उसको आप रख लेना। बाकी उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको अभी यहाँ पे डन नहीं करना है, आप सबको जो साइड में जो प्लस वाला आइकन है उस पर क्लिक करके एंड यहाँ से गाइस आपको ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सबको गोड जिला और कोंग का दोनों पीएनजी का एक साथ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको कुछ ऐसे स्टेप्स ऐड करके एंड इसको यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन कर देना है, ऑटोमेटिकली कुछ स्टेप्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबको कुछ स्टेप्स ऐसे ऐड कर देना है। देन गाइस उसके बाद जो है अब हमें इसके ऊपर यहाँ पे शेडो बनानी है अपने मॉडल के ऊपर एंड ये जो नीचे गॉडज़िला है उसके ऊपर, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, हम प्लस पे क्लिक करेंगे एंड ऐसे ऐड फोटो में जाएंगे एंड ऐसे गाइस हमें वो जो ब्लैक कलर की शीट होती है जो हम मैक्सिमम वीडियोज़ में यूज़ करते हैं, तो आप सभी को गाइस उसको ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप सभी के पास ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप सभी को, तो आप इसे डाउनलोड कर लेना। फिर आपको इरेजर टूल में जाना है, इसको यहाँ पे इन्वर्ट कर देना है, ब्रश को लेना है। फिर ब्रश को लेने के बाद गाइस जो आपका साइज़ होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, क्योंकि शेडो में ना गाइस हर कोई मतलब अलग अलग तरीके से बनाता है, तो साइज़ जो है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो को जूम करना है सिंपली, ठीक है। फोटो को जूम करने के बाद गाइस आपको आराम आराम से पेंट करना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से, एंड आपको शेडो क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे गाइस फटाफट शेडो क्रिएट कर लेता हूँ। सो गाइस फिर क्या करना, आप सभी को गाइस यहाँ पे हमारा जो शेडो वगैरह बन चुकी है एंड पीएनजी भी लग चुका है, तो गाइस आपको क्या गोल्ड गॉडज़िला जो है गाइस हमारा उसके मुंह से गाइस जो स्मोक निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आपको एक स्मोक का पीएनजी मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको सिंपली इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप सभी को गाइस क्या करना, आपको जो इसका साइज़ होगा गाइस इसको आपको सिंपली अपने जो गॉडज़िला है इसके मुँह के पास ऐसे कुछ स्टेप्स ऐड कर देना है, ठीक है। तो गाइस देखिए एकदम मतलब कैसा लग रहा है कि गॉडज़िला के मुँह से जो है स्मोक निकल रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ स्टेप्स ऐसे लगा देना है एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना, आपको सिंपल यहाँ पे डन कर देना है। एंड गाइस यहाँ पे पिक्सआर्ट का एक लास्ट पीएनजी और लगाना है हमें, ठीक है, पिक्सआर्ट के अंदर। तो उसके बाद हमारा जो पिक्सआर्ट का काम होगा वो खत्म हो जाएगा, तो उसको हम ऐसे फटाफट ऐड कर लेते हैं। तो ये गाइस ये विगनेट का पीएनजी है, आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन कर देना ऐड करके। एंड गाइस अगर आपको इसकी ओपेसिटी ज़्यादा लगे तो आप इसको कम भी कर सकते हो, तो गाइस मैं इसको कुछ अराउंड 80 तक कुछ रख लेता हूँ, 85 तक, ठीक है, 88 तक रख लेते हैं एंड यहाँ पे एकदम परफेक्ट है, ठीक है। आप गाइस चाहो तो जितना मर्जी आप चाहो उतना रख सकते हो, तो उसके बाद यहाँ पे परफेक्ट है। अब गाइस हम क्या करेंगे, इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेंगे, क्योंकि गाइस अब हमें करनी इसमें रीटच, एंड रीटच के अलावा रीटच के बिना तो यार हमारी फोटो एकदम बिल्कुल अधूरी है। तो उसको हम सिंपली ले चलते हैं लाइट रूम ऐप में। तो लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस हमने यहाँ पे फोटो को पहले से ही ऐड कर रखा था, तो आप क्या करेंगे, हम जाएंगे इस लाइट वाले ऑप्शन में। सो इस लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे गाइस कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, फिर आपको उसका कॉन्ट्रास्ट है जो उसको थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है। एंड जो इसकी हाईलाइट होगी गाइस इसको आप सभी को यहाँ पे इसका थोड़ा इंक्रीज कर देना है, ठीक है, ताकि जो पीछे बैकग्राउंड है वो थोड़ा वाइट है तो उसको हम लाइट करना है। तो उसके लिए तो आपको शेडो जो होगी गाइस इसको आपको आगे की तरफ बढ़ा देना है, ठीक है। तो शेडो जो है हमारी फोटो में थोड़ी ज़्यादा सी थी, तो हम इसको बढ़ा देंगे एंड यहाँ पे ब्लैक है जो इसको हम यहाँ पे कम कर देंगे, ठीक है, जितना परफेक्ट है। अब गाइस क्या करेंगे, हम थोड़ा सा वाइट है जो इसको भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं एंड इसके बाद हम जाएंगे ऐसे कलर्स वाले ऑप्शन में। एंड जो गाइस इसका वाइब्रेशन होगा ना आपको उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड जो इसका टेम्परेचर होगा इसको आपको थोड़ा सा कम कर देना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ब्लू टोन में आ गई हमारी फोटो। फिर जाना आपको गाइस मिक्स टूल में, यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है। ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपसे कुछ इसका सैचुरेशन ऐसे माइनस कर देना है थोड़ा सा, ठीक है, मतलब आपको अपनी फेस के अकॉर्डिंग कर सकते हो जितना चाहो, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आपसे फिर जाना है इस येलो कलर में।
येलो कलर का कुछ काम नहीं है गाइस, आपको यहाँ पे सीधा डार्क ब्लू में जाना है एंड इसका सैचुरेशन आपको थोड़ा कम कर देना है। अगर आपको ब्लू टोन ज़्यादा ना चाहिए हो तो आप कम कर सकते हो, अगर बिल्कुल ही नहीं चाहिए तो बिल्कुल ही माइनस कर सकते हो। फिर गाइस आपको पर्पल कलर में जाने के बाद गाइस, अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो आप सैचुरेशन माइनस कर सकते हो एंड अदरवाइज आपकी मर्जी है। फिर जाना आपको नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी हुई गाइस आपको उसको बढ़ा देना है, ठीक है। एंड जो फोटो में विगनेट होगा गाइस वो हल्का सा डाल देना आप सभी को, तो मैं इसको थोड़ा माइनस कर देता हूँ, ना परफेक्ट है। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रीन अमाउंट आपको गाइस इसको बढ़ा देना है, ठीक है, इतना परफेक्ट है। अब जाना गाइस आपको यहाँ से नीचे वाले टूल में, फोटो की जो गाइस शार्पनेस होगी ना आपको उसको इंक्रीज कर देना है कुछ इस टाइप से, एंड नीचे मिलेगा आपको नॉइज रिडक्शन आपको उसको बढ़ा देना है, ठीक है, तो इतना परफेक्ट है। अब आपसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको हमें मिलेगा कलर नॉइज रिडक्शन आपको उसको बढ़ा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है लाइट रूम का काम भी खत्म हो जाता है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यार मैं आप सभी के लिए रोजाना यहाँ पे अमेजिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।